तो गाइस मैं खड़ी हूँ प्रेम मंदिर के बाहर। आज मैं जाने वाली हूँ प्रेम मंदिर के अंदर घूमने, देखती हूँ अंदर कैसा नज़ारा है। तो मैं आ चुकी हूँ प्रेम मंदिर के अंदर। तो गाइस रात के 9 बज रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है प्रेम मंदिर का। राधे राधे। तो अब चलते हैं गाइस अंदर प्रेम मंदिर के। तो इतना कितना खूबसूरत नज़ारा है, पूरा मार्बल का बना है गाइस। लग तो अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। बस देखते रहे, घूमते रहे, बैठे रहे यहाँ पर। कितने अच्छे अच्छे झूमर हैं यहाँ पर, कितने खूबसूरत झूमर है, कितनी अच्छी लाइटें लगी हैं यहाँ पे। यहाँ देखने से मन ही नहीं भर रहा है। राधे राधे, ऐसा लग रहा है भगवान जी, स्वयं भगवान बैठे हैं। जैसे भगवान हमको देख रहे हैं, हम भगवान को देख रहे हैं। झूमर का तो इतनी अच्छी नजारा है, बहुत झूमर है यहाँ पे। इतने अच्छे अच्छे झूमर आज पहली बार जिंदगी में देखते हैं। भगवान जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अब चलते हैं गाइस ऊपर के लिए, ऊपर देखते हैं। आप सब बने रहना, आप सबको घुमाते हैं। ऊपर जाने के लिए बहुत पब्लिक है, इसलिए भीड़ के ही सहारे से जाना पड़ रहा है। इतनी भीड़ पब्लिक है, बहुत ज़्यादा। 9 बज रहे हैं, कहने को इतनी लाखों बाहर जनता है, और अंदर देखो आप देख ही रहे हो। तो आ चुके हैं हम ऊपर। ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर भी वैसे ही इतने तो झूमर लगे हैं। झूमरों की तो कोई वो भी नहीं है, ये तो इतना खूबसूरत लग रहा है ये, बहुत। ये नीचे से भी दिख रहा था। और ये बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत दिख रहा है नाइट में भी। रात हो रही है, कितनी 9 बज रहा है, फिर भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। कितनी हवाओ, तितली तितली बैठी है, कितनी अच्छी लग रही है। ये कितनी अच्छी चुटकी है।
ये झूमर का यहाँ ये ऊपर कितना अच्छा है। ये नीचे से भी दिखता है, ये दूसरे मंदिर के पीछे का है। आप चलते हैं नीचे ऊपर का। एक साइड से जाते हैं, उस साइड से इधर से उधर के जा रहे हैं। बाहर निकलने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, पर क्या करे, मजबूरी है। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड है तो इधर से बस बाहर ही निकलना है। वो सामने से उधर जाने के लिए, इधर से निकलने के लिए, वहाँ से जाते हैं, इधर से निकलते हैं। गाइस आ चुके हैं हम बाहर, राधे राधे। बाहर का तो कितना भारी, कितना खूबसूरत लग रहा है ये पूरे बाहर से नज़ारा है। तो आप सब कहाँ से हो कमेंट में बताना, आप सबको कैसा लगा ये ब्लॉग। तो गाइस देखिए बाहर का नज़ारा तो इतना खूबसूरत लग रहा है कि क्या बताऊं। और लाइट, ये लाइट तो नाइट में ही देखने के लिए मिलेंगी। आप सब लोग आओ ना तो नाइट में ही आना। इसके इतने कलर चेंज होते हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है, इतने खूबसूरत कलर लगते हैं। अलग अलग लाइट के कलर होते हैं, देखो ये चेंज हो गया ऊपर भी, फिर चेंज ही होते रहते हैं। ये नाइट में ही होते हैं, आप सब आओ तो नाइट में ही आना। कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये चित्र है जो बने हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मस्त कलर लग रहा है। वाओ, और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, वो नाग देवता पे कृष्ण भगवान जो खड़े हैं। यो मैन मुख्य दरवाजा जो अंदर आते हैं मैन गेट में, ये गोवर्धन पर्वत है जो कान्हा जी इसको चुंगी उंगली पे उठाए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि ऊपर से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, पूरे ग्वाल वासियों को कैसे छुपाए हैं बारिश में काना जी, परेशान हो गए। तो उन्होंने गोकुल पर्वत उठा लिया और उसकी छाया में सबको रख लिया। और ये देखो राधा कृष्ण जी कैसे बैठे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये पानी है तो हाथ से कर रहे थे भगवान जी। ये सब बाहर का नजारा है पूरा, मंदिर परिसर में राधा कृष्ण कैसे झूला में झूल रहे हैं। ये सब दिन में सब बंद हो जाता है, नाइट में झूला चल रहा है, झूल रहे हैं।